तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गेमर नित्य पे। और आज हमने मैच करवाया है भाई, वीर महान वर्सेस जॉन सीना। और फिलहाल एक एक फिनिशर दिया है भाई। तो ओवरऑल की बात करें तो दोनों का लगभग सेम सा ही ओवरऑल। देखते हैं भाई कौन ये मैच जीत के लेके जाता है। फिलहाल तो जो है भाई बहुत खतरनाक डैमेज दे रहे हैं भाई फिलहाल अपने वीर महान। तो देखते हैं, एक्सट्रीम रूल मैच करवाया है भाई, और वीर महान तो हट ही नहीं रहे हैं भाई। अच्छी पिटाई कर रहे हैं शीना की। फिनिशर तो एक एक ही है सिर्फ, क्योंकि अगर ज़्यादा फिनिशर देते तो बड़ी जल्दी मैच ख़त्म हो जाता है यार, उसमें फिर मज़ा नहीं आता। तो वीर महान और शीना, क्या मैच है यार। अरे ये क्या कर रहे हैं भाई, शीना एक बार अंदर जाके फिर से दोबारा वापस से बाहर आ गए। और मुझे लग रहा है एप्रेन पे दे के मारेंगे भाई शीना को। ओ डैमेज देख रहे हो भाई वीर महान की तरफ से कितना पड़ रहा है भाई शीना को। यार शीना क्या कर रहे हो यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। शीना अंदर जाओ यार। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं भाई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही और नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। और ये देख लिए भाई, ये देख लीजिए डबल ए, वो भी रिंग के ऊपर से पहला फिनिशर सीना की तरफ से भाई। ये ही तो मुझे चाहिए था, ये मुझे लग ही रहा था कि ऐसा होगा। ओ हो, पटक दिया भाई रिंग के ऊपर से सीना ने, तो कवर कर लिया है भाई। वीर मान इतनी जल्दी तो नहीं हारेंगे, किकआउट करना बनता भी था यार। तो अभी फिलहाल वीर मान की जो हालत है वो ख़राब है, क्योंकि फिनिशर पड़ गया, वो भी रिंग के ऊपर से। ओ भाई, तो अब देखते हैं कितनी देर वीर महान इस मैच को आगे लेके जाते हैं भाई। जीतेंगे या हारेंगे वो बाद की बात है, लेकिन मैच अच्छा चलना चाहिए भाई। फिलहाल तो पहले शीना की पिटाई हो रही थी, अब शीना पिटाई कर रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिवर्स कर दिया भाई, अरे वाह। तो ये तो बनता ही था यार, बिना कहाँ पे जा रहे हैं। अरे वीर महान कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं भाई बाहर से, और शीना भी बाहर पहुँच गए। ओ भाई, ट्रिपल एच का फेवरेट हथियार उठा लिया था भाई वीर महान ने, हैमर। तो शीना जो है वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें उठाते नहीं है। वीर महान उठाने चले गए और शीना ने उठाया भी नहीं। तो अभी उठ के आ रहे हैं भाई, वीर महान की हालत ख़राब, इमोट दिखा रहे हैं भाई। और डैमेज देख रहे हैं भाई वीर महान को कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है। अब ये देखते हैं कि वीर महान अपना यूज़ हो रहा है भाई, फिनिशर कब यूज़ करते हैं। तो कहने की देर थी भाई, साथ ही यूज़ कर दिया, कवर कर लिया है शीना को। चलो किक आउट तो किया भाई, फाइनली शीना ने लास्ट में आके कंधा उठा ही दिया अपना। अरे क्या बात है भाई, अब वीर महान को कुछ थोड़ा सा गुस्सा आया भाई। वीर महान ने फिनिशर भी अपना यूज़ किया, और पिटाई दोबारा से शीना की होने लग गई है भाई। अरे भाई शीना को तो मार मार के ही बस। ये रिवर्स शीना का, ओरे भाई रनिंग अटैक के साथ जाना चाहते थे, शीना रिवर्स कर दिया। रिवर्स पे रिवर्स चल रहा है भाई, ये मज़ेदार है। तो डैमेज दोनों को ही पड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा डैमेज की अगर बात करें तो वीर महान को ज़्यादा है। ये तो बराबर कर दिया भाई सीना, सीना को भी बराबर डैमेज दे दिया है। और देखते हैं, मुझे तो अभी वीर महान कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहे हैं भाई। रनिंग अटैक के साथ पूरी बॉडी को फेंक दिया वीर महान के ऊपर। अरे क्या बात है भाई, तो गेंडो स्टिक लेके आए हैं भाई, क्योंकि एक्सट्रीम रूल है तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और रिवर्स वीर महान का, ओ भाई तो फेस बस्टर लगा दिया। और अरे भाई हालत ख़राब सीना की, तो अब तो ऊपर जाना चाहिए भाई रिंग के, अगर सीना बचना चाहते हैं भाई इससे। कहाँ लेके जा रहे हैं भाई, रिवर्स, रिवर्स पे रिवर्स देखने को मिल रहा है यार। फिनिशर आ गया है भाई वीर महान के पास, सिग्नेचर भी है, तो यूज़ कब करेंगे वो अभी देखते हैं भाई। लेकिन पिटाई जो है वीर महान की ही हो रखी है भाई, वीर महान को डैमेज बहुत पड़ गया है। तो हैमर यूज़ करने के बाद भी वीर महान को ही डैमेज ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो सीना जो है वो टांगों पे मार रहे हैं भाई उसकी, तो गुस्सा निकाल रहे हैं वीर महान से अभी हम। अरे क्या बात है, मुक्कों की बौछार कर दिया भाई वीर महान के चेहरे पे। अब मुझे लगता है रिंग के अंदर जाएंगे भाई सीना, क्योंकि काउंट अगर होगा तो वो रिंग के अंदर ही होगा। इमोट दिखा रहे हैं ये बात। अरे कैंडो स्टिक लेके जा रहे हैं भाई वीर महान, क्या। ओहो, शीना भी नीचे आ गए, समझ नहीं आ रही यार क्या कर रही है ये, कभी ऊपर जाने कभी नीचे जा रहे हैं। और शीना ऊपर आते ही कैंडो स्टिक से वार कर दिया भाई।
रिवर्स कर लिया भाई। वीर महान हेडबट, फिनिशर है इनके पास, पता नहीं क्यों नहीं यूज कर रहे यार, अभी तो यूज करना चाहिए। चलो शीना को मुझे लगता है कि डबल ए जल्दी ही आपका देखने को मिलेगा आपको। टांगों पे वार कर रहे हैं भाई शीना, डैमेज करना चाहते हैं कि जितना ज्यादा डैमेज होगा उतना ही ज्यादा शीना को बेनिफिट मिलेगा भाई। कैंडो स्टिक तोड़ दी भाई मार मार के, अभी डबल एक जल्दी ही मुझे लगता है कि देखने को मिलेगा। स्टन होने वाले थे वीर महान, रिवर्स, ओ कैमल क्लच, तो शीना ने नहीं यूज़ किया, वीर महान ने तो यूज़ कर लिया और हालत ख़राब होने वाली है भाई शीना की भी, कहीं टैप आउट ही ना कर दे शीना। ओ मुझे लग रहा है भाई जिस हिसाब से दर्द में है ना भाई शीना, मुझे लगता है टैप आउट कर देंगे। रिवर्स कर दिया, अरे शुक्र है बच गए भाई, लेकिन अब किक आउट शायद ही कर पाए शीना क्योंकि डैमेज बहुत पड़ गया भाई। ओ यहाँ पे आके किक आउट कर दिया भाई, क्या बात है, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे कर दिया, मुझे तो लगा था कि शीना का काम हो गया। अरे डबल ए बैली टू बैली चिपका दिया भाई वीर महान को और हालत ख़राब है। तो इस टाइम पे शीना ने अगर डबल ए लगा दिया तो समझ लो काम ख़त्म हो सकता है भाई वीर महान का भी। और ये डबल वाला लग रहा है मेरे को, ओहो डबल वाला ही लगाया भाई। वीर महान की हालत वैसे भी ख़राब है और फिनिशर के बाद जो थोड़ी बहुत उसका, अरे वाह किक आउट मुश्किल लग, अरे कर दिया भाई, तो क्या खतरनाक मैच चल रहा है भाई। मूव थीप लगाया क्या, रिवर्स, नहीं 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 रिवर्स कर दिया, मुझे लगा था कि मूव थीप लगा दिया भाई शीना को, सॉरी शीना ने, कहाँ लेके जा रहे हैं, शीना के पास अभी भी फिनिशर है, शीना को लगाना चाहिए भाई, शीना के पास फिनिशर है। शीना क्या कर रहे हैं भाई रिंग के ऊपर से, अरे वाह तो हाई फ्लाइंग एक्शन बैक ड्रॉप के साथ डबल ए की तैयारी, अभी अगर पड़ा तो समझ लो भैया जी काम खत्म, गुड नाइट वीर महान। ओ वाह क्या बात है शीना खतरनाक। ये लो भाई लोग अभी गए वीर महान, 1 2 3, हो फाइनली शीना ने ये मैच जीत लिया यार, बहुत जोर लगाना पड़ा शीना को मैच जीतने के लिए लेकिन जीत लिया है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और शीना भाई क्या बात है इंजॉय करते हुए मैच को जीतने के बाद। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले भाई और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।